सुपर सनेलो के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक और वाइट टाइगर बीस्ट को जो कि किसी लड़की के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, जिसके कारण वो अपने ऊपर अपनी ब्लैक टाइटस की शील्ड लगाती है, जिसके कारण वो वाइट टाइगर उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाता। और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे एक लात मार के हवा में उछाल देती है। भाई क्या पोजीशन है और क्या लड़की है। और उसके साथ उसकी दो सिस्टर्स भी होती है जो कि उसी के साथ पेड़ पे वहाँ लटकी हुई होती है। वो लोग कहती है कि तुमने फाइनली कर दिया, तुम सच में कमाल की हो सिस्टर। पर लेकिन तभी एक और वाइट टाइगर आ रहा होता है। तभी उसकी एक सिस्टर होती है जिसके ग्रीन कलर के हेयर होते हैं। वो कहती है जरा सिस्टर संभल के, और वो अपनी फिर वो भी अपनी ब्लैक टाइटस की पावर इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पकड़ लेती है। और फिर उसकी जो तीसरी सिस्टर जो होती है वो अपनी ग्रीन ड्रैगन स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ बर्फ में जमा देती है। और वो कहती है अब इसका खेल यहीं ख़त्म करने का समय आ गया। और वो उसे उस वाइट टाइगर को एक जोरदार पंच मारती है, जिसके कारण वो वाइट टाइगर दूर जाके गिरता है। और जैसे ही वो वाइट टाइगर उड़ता है, उसके बगल में वही ग्रीन हेयर वाली उनकी दूसरी सिस्टर होती है, वो उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है। जिससे देख के वो सिस्टर वो ग्रीन हेयर वाली लड़की यानी उनकी तीसरी दूसरी सिस्टर डर जाती है कि अब मैं क्या करूँ। वो कहती है मुझे मुझे फाइट करनी नहीं आती, इसलिए मुझे नहीं पता कि आखिरकार बीस्ट से या फिर किसी से भी किस तरह से फाइट की जाती है, किसी से डील करी जाती है, मुझे नहीं आती। पर लेकिन तभी वहाँ पे हमारी वाली यानी किंगसी की थर्ड वाइफ यानी प्रिंसेस वहाँ आती है और उसे अपने स्पेयर से मार के दूर फेंक देती है। वहाँ आते ही कहती है कि थैंक गॉड मैं सही टाइम पे आ गई, नहीं तो आज पता नहीं तुम्हारे क्या हाल होता। प्रिंसेस को देख के वो तीनों खुश हो जाती है। वो तीनों कहती है प्रिंसेस फाइनली आप हमारी टीम में वापस आ गई, हमें लगा था कि आप बिछड़ गई पर लेकिन आप तो वापस आ गई, सच में हमारा धन्य है कि आप वापस आ गई। हमारी प्रिंसेस उस ग्रीन हेयर वाली को अपनी गर्दन में अपने हाथ में दबोचती है। वो कहती है अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें फाइट करनी नहीं आती तो भी तुम आखिरकार फाइट के बीच में इन्वॉल्व क्यों होती हो, क्यों तुम अपनी जान बाबा खतरे में डालती हो। शुक्र है कि मैं टाइम पे आ गई, समझ गई मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये सुनकर वो कहती है मैं समझ गई मैं समझ गई। वो दोनों बाकी बहनें उसकी प्रिंसेस की तारीफ कर रही होती कि प्रिंसेस आप कितनी ज़्यादा औसम है, कितनी ज़्यादा कमाल की हैं। और फिर तभी उनकी नज़र आती है उसी वाइट टाइगर पे जिसको उन्होंने अभी भी मारा होता है। वो चमकना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वो वाइट टाइगर वहाँ से गायब होता है, उनके आगे एक बहुत बड़ी डिस्क ओपन हो जाती है, एक स्क्रीन ओपन होती है जिसपे लिखा होता है कि टीम बी ने जिनकी टीम जो कि प्रिंसेस की टीम है उन्होंने टीम अप करके साथ मिलके एक वाइट टाइगर को मारा है, जिसके द्वारा उनको मिलते हैं 450 पॉइंट। ये सुन के वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वो लोग कहती तो यानी फाइनली हमने इतने ज़्यादा पॉइंट गेन कर लिए, हमें 450 पॉइंट मिले हैं एक टाइगर को मारने पे, सच में कमाल है, हम चारों ने तो सच में कमाल ही कर दिया, हमने फाइनली एक बीस्ट को मार ही दिया। पर लेकिन तभी अचानक से उनके पीछे वाले एरिया में वहाँ पे एक ज़ोरदार लाइट ओपन होती है। वहाँ पे भी लगता है किसी ने किसी को मारा होता है, वहाँ पे एक ज़ोरदार लाइट अपीयर होती है जिससे वो चारों हैरान होते हैं कि वहाँ पे लगता है किसी ने एक डिवाइन बीस्ट को मारा है। और फिर वहाँ पे भी विंडो ओपन होती है, वहाँ पे लिखा होता है एक एक स्टार वाइट टाइगर जो कि अपने किंग लेवल पे था, इन स्टार किंग लेवल पे था, उसको एक किंगशी नामक एक बंदे ने मारा है, जिसको मारने पे उसे 1000 पॉइंट मिलते हैं, वो भी एक ही बार में एक स्लैश से उसे मारा है। यानी हमारे किंगशी ने उस बंदे को उस सीनियर को उसे मारा था और सीनियर ने शायद तक अपने एक अटैक से उस टाइगर को मारा होगा, इसलिए ये बार आ रही होगी। और ये सुन के प्रिंसेस कहती है क्या किंगशी ने आखिरकार ये उसने कैसे किया, वो भी 1000 पॉइंट, वो भी एक स्टार किंग लेवल वाले एक वाइट टाइगर को मारना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। ये न्यूज़ बाहर पे भी हमें दिखाई जाती है जहाँ पे प्रिंसेस डाउन एकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। उनके आगे भी वो स्क्रीन ओपन हो रही थी जिसमें हमारे किंगशी के स्टैट्स लिखे होते हैं। ये देख के वो कहती है आखिरकार इसने ये कैसे किया, अपने से दो लेवल हायर वाले एक स्टार बीस्ट को इसने कैसे मार दिया, आखिरकार ये इसने कैसे किया, इसे इतने सारे पॉइंट कैसे मिल गए। और यहाँ तक कि प्रोटेक्टर भी हैरान होते कि ये इसने कैसे किया। प्रोटेक्टर अपने मन में कहता है ये कैसा हो सकता है, अब तक तो उसे मर जाना चाहिए था, आखिरकार वो दोनों बेवकूफ़ वहाँ कर क्या रहे हैं, कहीं उन लोगों को कुछ हो तो नहीं गया, ये किंगशी अब तक जिंदा है और उसने अपने से दो ज़्यादा हायर अप अपने से एक हायर अप वाले बीस्ट को मैंने दो लेवल हायर अप बीस्ट को ऐसे एक स्लैश में मार दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ये कैसे हो रहा है। और हमारी वाली महारानी यानी कि हमारी किंगसी की सिस्टर इन लो वो तो बहुत खुश होती है। वो कहती है किंगसी जैसा मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशन थी, तुम सच में कमाल के हो, मुझे यकीन था तुम ऐसे तरीके से किसी ना किसी को तो हैरान कर ही दोगे। देखते हैं हमारी प्रिंसेस की टीम को जहाँ पे वो चारों बात करते हुए जा रही होती है। उनमें से एक कहती है कि किंगशी ये नाम मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, और यहाँ तक कि मैंने नाम भी आज तक कभी इस नाम वाले कभी किसी बंदे को देखा है। यार ये बंदा जो भी होगा बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि इसने स्टार किंग वाले बीस्ट को मारा है जो कि हमारी औकात से तो कहीं ज़्यादा भारी है, हम तो इसे ऐसे चाह के कभी नहीं हरा सकते, वो सच में कमाल का बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा वो जो भी होगा। में से एक कहती है काश वो हमारी टीम में होता यार, आई होप वो दिखने में बहुत हैंडसम हो, बहुत कूल हो, बहुत पावरफुल हो, गुड लुकिंग हो, अगर वो ऐसा हुआ तो मैं उससे पक्का शादी कर लूँगी, उसे प्रपोजल दूंगी शादी के लिए, काश वो हमारी टीम में होता हो या फिर वो अभी यहाँ पे सामने आ जाता। और झाड़ियों के पीछे से एक हाथ आता है।
और वो होता है हमारा हमारा किंगशी। किंगशी वहाँ पे उन चारों को देख के, उन चारों के बीच में प्रिंसेस को देख के हैरान होता है। वो कहता है प्रिंसेस, ओ तो यानी ये प्रिंसेस की टीम है, वो यहाँ पे है तो ठीक है। हमारा किंगशी बड़ी एक्साइटमेंट के मारे वहाँ झाड़ू से बाहर निकलता है। वो कहता है प्रिंसेस फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया, फाइनली तुम मुझे मिल ही गई इस जंगल में। और वहाँ हमारे किंगशी को देख के वहाँ पे वो तीनों शॉक्ड हो जाती है कि अचानक से अब ये कौन आ गया। वो तीनों के तीनों तैयार हो जाती है अपनी प्रिंसेस को, यानी कि हमारी किंगसी के वाइफ को यानी थर्ड वाइफ को यानी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कहती है ये बंदा कौन है आखिरकार, ये जो भी है हमें अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना होगा, हमें इस बंदे को प्रिंसेस से दूर रखना होगा, प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करो। और फिर प्रिंसेस पीछे घूम के कहती है किंगशी आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये नाम सुनते ही उन तीनों में से एक जो ग्रीन हेयर वाली होती है वो कहती है क्या किंगशी यानी यही किंगशी है। हमारा किंगशी कहता है क्योंकि मैंने अभी अभी एक स्टार किंग लेवल वाले बंदे को यानी कि एक स्टार किंग लेवल वाले बीस्ट को मारा है, तो मैं थोड़ा थक गया था और मुझे इस वक्त प्रोटेक्शन की जरूरत थी, और मेरे पास कोई टीम भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं सोलो खेल रहा हूँ इसलिए, और तुम चारों टीम में हो तो सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी टीम को ही ज्वाइन कर लूँ, तुम्हें ही ज्वाइन कर लूँ, तो कैसा रहेगा मैं यहाँ आ गया। और ये सुन के वो दोनों उनमें से दो कहती है यानी तुम किंगसी हो, तुम वही हो जिसने अभी अभी एक स्टार किंग लेवल वाले बीस्ट को मारा है, एक किंग लेवल वाले बीस्ट को मारा है और 1000 पॉइंट अचीव किए, क्या सच में वो तुम ही हो। किंगसी कहता है हाँ वो मैं ही हूँ। और ये सुन के वो दो लड़कियां तो उसके आजू बाजू लपेट जाती है, वो कहती है वाह तुम सच में बहुत हैंडसम हो, बहुत मस्कुलर भी हो, गुड लुकिंग हो, कमाल के हो, बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो, ऑसम हो तुम सच में, तुम एकदम एज अ परफेक्ट मैन हो, तुम सच में कमाल के हो, मैं तो तुम्हारी फैन हो गई। हमारा किंगशी बोलता शर्माना शुरू कर देता है। हमारा शर्माता हुआ बंदा कहता है कि प्लीज़ इस तरह मुझे टच मत करो, मुझे कुछ अलग ही फीलिंग आती है, प्लीज़ ये करना बंद करो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है, और दोस्तों मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।